भी कर दूं। कपानी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम निकले हैं कारगिल के लिए। कल सोनमर्ग में रुके थे, बहुत अच्छी जगह है सोनमर्ग यार, आओ देखो, बहुत अच्छी जगह है। और आई होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। पता नहीं अभी क्या हो रहा है, अगर आई होप कि आपको पसंद आ रहे हैं। अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं नया हूँ, हो जाती है गलतियाँ। तो अभी निकलते हैं कारगिल के लिए। इधर से 122 किलोमीटर है, रास्ते में हमें बहुत जगह रुकना है। तो आइए अभी आगे जाके बात करते हैं कुछ अच्छे सीन्स के साथ। तो गाइस, आप सोच रहे होगे कि मेरी गाड़ी क्यों नहीं है, मैंने अपाची RR 310 क्यों ली। भाई मैंने गाड़ी नहीं ली है, ये स्वप्निल जो है हमारे ग्रुप में मोटो व्हील, उसी की गाड़ी है, वही चला रहा है, मैं मेरी गाड़ी चला रहा था। हुआ ऐसा कि कल मैं सोनमर्ग को आते टाइम मैंने टाइमलेस लगाया था, क्योंकि हर चीज़ मुझे दिखानी थी रास्ता पूरा। तो उस वजह से क्या हुआ, जो सेटअप था वैसा बनाया हुआ टाइमलेस के लिए, वही सेटअप रह गया। और मुझे पता नहीं मेरे एक्शन कैमरा में पूरा दिन या मतलब टाइमलेस आया, तो बहुत रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का। मगर कोई नहीं, हेल्प करने के लिए स्वप्निल है अपने पास, तो उसने मुझे उसका एक्शन कैमरा की रिकॉर्डिंग दी, तो मैं वही यूज़ करूँगा आज के ब्लॉग के लिए, पूरे ब्लॉग के लिए, क्योंकि कल तक मुझे पता चल चुका था कैसा हुआ। और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और यार कोई नए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत अच्छा लगता है। और आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, सच में मतलब खूब बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट डालूंगा बहुत ज़्यादा, और भी बहुत कंटेंट है मेरे पास, अभी डालना बहुत बाकी है। और मुझे हम कन्याकुमारी भी गए थे, उसका भी डालना है, ये अभी इसका भी आगे वाला भी डालना है, और गाड़ी के जो मॉडिफिकेशंस है उसकी चीज़ें भी डालना है। तो सब्सक्राइब करो, उस वजह से क्या होगा कि आपको हर चीज़ दिखाई देगी। और मैं ट्राई करूँगा कि खुद को इम्प्रूव करूँ, अभी मैं नया हूँ, अभी थोड़ा माफ़ करिए अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो, मगर मैं इम्प्रूव करूँगा उसको। तो ठीक है, अभी हम जाएंगे कारगिल के लिए। रास्ते में हम द्रास में रुकने वाले हैं, अभी रोजिला पास में रुकने वाले हैं, और इधर पे थोड़ा सोनमर्ग के जब ऊपर जाएंगे ना उधर पे रुकेंगे, आपको व्यू दिखाएंगे उधर से, बहुत अच्छा व्यू है उधर पे। अभी हम जाएंगे उधर पे, मगर रास्ते में बहुत रुकने वाले हैं। 122 किलोमीटर का टोटल रन है, ठीक है, तो टोटल 122 किलोमीटर का रन है। मगर हुआ ऐसा है कि हम रुकने वाले बहुत जगह है, उस वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ये हर चीज़ में दिखाना ट्राई कर दूँगा। कारगिल जो मेमोरियल है, कारगिल वॉर मेमोरियल है, उधर भी रुकने वाले, उधर भी देखने वाले, और बहुत सारी चीज़ें रास्ते में, जैसे जिला पास के पास जो एक ग्लेशियर है नीचे, उधर भी रुकने वाले, और जो लद्दाख की एंट्री होती है उधर से, उधर पर बोर्ड लगा है, उधर भी रुकने वाले, बहुत जगह रुकने वाले, इस वजह से लेट हो जाएगा आज। तो ट्राई करूँगा सब कुछ आपको दिखाने का। इधर भी रुकते हैं, थोड़ा आगे जाके, हाँ इधर ही रुकेंगे हम, थोड़ा आगे जाके रुकेंगे, थोड़ा अच्छी जगह दिखेंगे, खुले में जाके सोचना पड़ेगा कि कैसे वीडियो निकालूँ। तो जाएंगे अभी इधर, हाँ इधर रुक जाएंगे हम, और इधर रुक के वीडियो निकालेंगे, आपको दिखाएंगे नीचे का व्यू कैसा है, इधर से सोनमर्ग कैसा दिखता है। और मैं भी कुछ के लिए भी देखता हूँ, थोड़ा शूट करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ म्यूज़िक के साथ, थोड़ा आप देखिए मतलब सिनेमैटिक। ट्राई तो किया है बहुत सारा चीज़ रिकॉर्ड करने का, मगर यार सच में बहुत कम, मतलब बहुत समझ नहीं आता उधर पे, जब अपन प्रेजेंट सिचुएशन में होते हैं तब समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या कैसे करना चाहिए, सब कुछ चीज़ें। एक नए बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, एक रोज़ करने वाले बंदे को हो जाता है। तो ठीक है, अभी रुकते हैं इधर पर, और आप देख लीजिए इधर पे सिनेमैटिक, और मैं थोड़ा व्यू वगैरह दिखा दूंगा आपको, सब कुछ चीज़ें देख लीजिए, और उसके बाद आपको मिलते हैं आगे।
तो ये है जोजिला पास, ठीक है। इसी के चर्चे पूरे इंडिया में होते हैं कि बहुत खतरनाक रोड है, ऐसा है वैसा है, मगर बेफिक्र हो जाइए, अभी कोई टेंशन नहीं है, पूरा रास्ता बन रहा है इधर पे। ये देखिए ये जो ब्लॉक्स पड़े हैं ना छोटे छोटे, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स आएंगे, पूरा रास्ता बनेगा इधर पे। ये देखिए लेफ्ट साइड में देखिए भाई, ये एकदम ऐसा डेंजर लगता है देखने के लिए, मगर रास्ता बनने के बाद एकदम खूबसूरत लगेगा और आप अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, अभी इधर से निकलते हैं। देखिए भाई ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े एडवेंचर करने पड़ते हैं, मुश्किल है थोड़ा, मगर हो जाता है सब कुछ चीज़ें। अभी लद्दाख की कंडीशन रोड से बहुत अच्छी है उस हिसाब से जो पहले थे। अभी आप जा सकते हैं, बिंदास टू व्हीलर कौन सी भी लेके जाइए, या अपाचे आर 310 है वही तुम स्पोर्ट्स बाइक लेके जाइए। और कुछ वीडियो मैंने अभी देखे जिसमें स्पोर्ट्स कार भी लेके जा रहे हैं लोग, तो भाई अभी बहुत अच्छी कंडीशन है, आप घूम सकते हो मस्त, एकदम एंजॉय कर सकते हो उधर पे। तो डरने की कोई बात नहीं है, फैमिली को लेकर भी जा सकते हैं इस बार अभी। तो ठीक है, चलो अभी मिलते हैं थोड़ा आगे, एक व्यू दिखाता हूँ आपको जो इधर से दिखता है। ये देखिए ये पहले रोड कंडीशन थे ऐसे। अभी सोचिए इधर पे बारिश बहुत अगर हो गया है तो कैसा हो, मतलब ये पूरा कीचड़ हो जाएगा, चलने के लिए बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगी। लेफ्ट साइड में पूरा बर्फ होता है कई बार। और ये देखिए ऐसी कंडीशन, रोड कंडीशन मतलब इतनी गंदी तो पहले से थी, ऐसी नहीं है कि अभी बहुत अच्छा किया है, सेम ऐसी ही थी। बस ये मिथ है कि भाई लोग बहुत डराते हैं, जोजिला पास बहुत डेंजर है, ऐसा है वैसा है ये हो, तो डरने की कोई बात नहीं, एकदम बिंदास जा सकते हैं आप। तो बस वो क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है, हमारे टाइम पे क्लाइमेट कंडीशन एकदम ऐसी क्लीन, तो उस वजह से कैसे हमें तकलीफ नहीं हुई थी। तो फिर अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस मौसम में जा रहे हो, बरसात में जा रहे हो तो होगा। ये देखिए ऐसे ऐसे ब्लॉक लगाए हैं, इस वजह से तकलीफ कम होती है। तो ठीक है, आगे मिलते हैं, चलो एक बार। ये देखिए हम इधर नीचे रुकने वाले हैं। अभी आपको बताया था कि जोजिला पास के आगे जाएंगे हम, उधर पे एक ग्लेशियर है मस्त। ये देखिए ये इधर सामने ग्लेशियर है, इधर जाएंगे। और देखिए राइट साइड में जो ग्लेशियर दिख रहा है छोटा सा, वो नीचे है, हमने ज़िंदगी में कभी बर्फ़ नहीं देखा, मतलब मैंने तो नहीं देखा है। मैं जाऊँगा देखूँगा उधर पे, हाथ लगाऊँगा यार, मैंने कभी नहीं देखा बर्फ़। देखा है मतलब कैसा देखा है, सिर्फ टीवी में देखा है, ठीक है, और देखा है फ्रिज में मेरे घर के, तो फ्रिज के बाहर तो मुझे देखना ही पड़ेगा। तो देखिए ऐसे छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग होते हैं। ठीक है, तो आगे जाते हैं हम, थोड़ा रुकते हैं उधर पे, वीडियोज़ वगैरह निकालते हैं थोड़े से, और थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह ये सब चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद फिर इधर से निकलेंगे। आपको मैं दिखा दूंगा उसके पास जाने के बाद। मैं अभी एक्शन कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया हूँ ये चीज़, मैं कैमरा में किया हूँ, अपने फ़ोन के कैमरा में किया हूँ, तो वो चीज़ मैं दिखा दूंगा। तो मेरे फ़ोन में ही हुआ है, उधर पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इधर पे भी मैं इतना गधा था कि मुझे इधर भी पता नहीं चला कि मेरा टाइम लैप्स चल रहा है। हर चीज़ मैंने रिकॉर्ड की है मगर सब टाइम लैप्स। दुख होता है बहुत ज़्यादा ऐसा, अगर पूरा दिन अगर बीत जाता है तो अच्छा हुआ है स्वप्न मैंने पूरा ये रिकॉर्ड किया है, उस वजह से मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ, अगर नहीं करता तो मेरा ब्लॉग ही नहीं होता। तो ठीक है, इधर पे थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फ़ोटोशूटो निकाल लेते हैं, वीडियो निकाल लेते हैं और निकलते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ और राइडर जुड़ चुके हैं, पीछे देखिए उधर पे ये ऋषि, उसके बाद वो देखिए वो मोटो विंग्स उधर कूद रहा है, और ये देखिए, हाँ बोलिए भाई। ये जो नजारा आज मैं देख पा रहा हूँ ये सिर्फ तेरे लिए। अरे भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई जानते हैं, जोर जोर ऐसा कुछ बोलना नहीं है ब्रो, थैंक यू। गले लग ली, दो पप्पी ले ले भाई, मगर थैंक यू विंग को नहीं बोलने का अपने को। हाँ तो देखो भाई उधर रास्ता है, रास्ते से थोड़ा नीचे आके ऑफ रोडिंग करके 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 इधर आ चुके हैं। तो देखिए और थोड़े राइडर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और ये देखिए बर्फ फेंक रहा है। तो उधर ग्लेशियर के पास आ गए, देखो मेरी जिंदगी का पहला बर्फ है जो मैंने फ्रिज के बाहर देखा है। थोड़ी देर बाद माता गड़कुटे तिथे से, ये जिंदगी के बाहर मैंने पहली बार बर्फ देखा है। ये देखिए थोड़ा मैला है। ओ भाई ये देखिए नीचे कैसा है, मस्त है बाबा, ग्लेशियर के नीचे जिंदगी में पहली बार बर्फ नहीं, ग्लेशियर के नीचे भी देखा है मैंने। अरे हाँ गया था, इधर 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 चल। अरे ये लोग ठीक है, चलो थोड़ा खेलता हूँ, गया था निकलते। प्यार दी रावा उते यार तू ले आया,
मेनू जीने दा मतलब आज समझ आया। चला गाओ कर। तो चलो अभी बहुत हो गई मस्ती, अब निकलते हैं इधर से। लगभग एक डेढ़ घंटा हमने इधर टाइम पास किया, इधर से निकलते हैं जल्दी से अभी। ये देखिए कुछ ऐसे, मतलब इधर पे लेफ्ट साइड में जो शॉप्स दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे शॉप्स है इधर पे, छोटे छोटे कैफे टाइप है, मतलब जिधर पे चाय नाश्ता वगैरह नॉर्मल चीज़ें, मैगी मैगी नाश्ते के नाम पे सिर्फ मैगी और कुछ एक दो चीज़ें होती है इनके पास, यही है। ये जो ऐसे छोटे छोटे ठेले लगे हैं बहुत ज़्यादा ये रास्ते पे, जिधर पे हम रुके थे ग्लेशियर के पास, इधर पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो। आगे भी बहुत चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, बहुत लोग दिखाते हैं कि नहीं मिलता है रास्ते में, कुछ नहीं है, बहुत जगह बहुत कुछ मिलता है। सिर्फ एक 10-15 किलोमीटर के ऐसे कुछ कुछ पैच है जिधर पे नहीं मिलता है। तो ठीक है, आगे बोर्ड मिलेगा आपको लद्दाख का, उधर जाके हम रुकने वाले हैं, उधर भी फोटो वीडियो खींच लेंगे मस्त एकदम। तो भाई हम रुके थे फोटो खींचने के लिए, मैंने जिस गाड़ी लगाई थी ऐसा कि ये महाराष्ट्रियन फैमिली आई थी कोल्हापुर से, वो लोग हमें मिले, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अप्रिशिएट किया उन लोगों ने कि हम इतना सब कुछ करते, हमारे घर वाले भी इतना अप्रिशिएट नहीं करते उतना उन लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। और सब लोग बहुत अच्छे थे, मतलब छोटे से लेकर बड़े लोग, सब की पूरी फैमिली आई थी, जॉइंट फैमिली को, मतलब 30-35 लोग होंगे उनके, इतने लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। तो ऐसे सफ़र में ऐसे लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और वो अभी अगर हमको अप्रिशिएट करते तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस अभी डायरेक्टली मिलते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, हम नहीं रुकेंगे, डायरेक्टली उधर मिलते हैं, अभी उधर बात करते हैं। तो अभी हम कारगिल वॉर मेमोरियल में आए, थोड़ा शांति रखना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं का। ये देखिए ऐसे कुछ दिखता है, जो शहीद वॉरियर्स है अपने उनकी मेमोरीज में ये प्लेस बनाया हुआ है। इधर जगह दिख रही है, MiG-21 है शायद, ही लग तो रहा है, पता नहीं। उधर पे एक कैनन है, और इनकी मेमोरीज में एक जगह बनाई है, और इधर सारी चीज़ें लगाए हुई है, मिनट में दिखाता हूँ। नाम लगाए हैं, अभी हवा का आवाज आएगा थोड़ा, क्योंकि हवा बहुत चल रही है इधर पे। इधर देखिए सब लोगों के नाम है, इधर सब लोगों के जिन्होंने वीर गति प्राप्त किए, उन सब लोगों के। बहुत अच्छी जगह है, बहुत लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, मगर ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है सच में, जिन लोगों ने हम सबको प्रोटेक्ट करते करते जान गंवाई है, उनको कम से कम हम रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं, इससे आगे तो बहुत कुछ हो सकता है। मगर अच्छा लगा इधर आके, आप भी आइए विजिट करिए, बहुत अच्छी जगह है। इधर आओ, कैसा लग रहा है इधर आके? हाँ प्राउड फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है? हटे आगे। अरे अभी तो डॉक्यूमेंट्री 10 मिनट की देखनी है, उसमें तो पता चलेगा रियलिटी क्या है, मूवी देखा है वैसा, मगर इधर की डॉक्यूमेंट्री होगी। ठीक है चलो, तो देखते हैं उसके बाद इधर से निकलते, थोड़ा लेट भी हो रहा है, अंधेर हो गया, और ये प्लेस भी बहुत अच्छे जगह पे बना है। वो जिधर पे वॉर हुआ था वो जगह कौन सी, इधर आके बता थोड़ी, इधर आना, टाइगर पॉइंट। वो जो नुकीला वाला है, ये वाला, ये वाला, ओके ओके ओके, बाजू में ओके ओके ठीक है। उस जगह पे और हुआ था, मगर और
की मेमोरीज जो है इस जगह पे होनी, जगह भी अच्छी है। आओ डेफिनेटली आओ, देखो मस्त है जगह। अब इधर आके एक अलग एहसास है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने लिए, लोग मतलब आर्मी हो जाए सॉरी। आइए देखिए, बहुत अच्छा है। चलो तो फिर बाहर जाके मिलते हैं। तो ये था भाई कारगिल मेमोरियल वॉर। तो मैंने एक्शन कैमरा में रिकॉर्ड किया था, जैसे आपको पता है उधर पे लफड़ा हो गया। तो जितना हो सकता है उतना, जितने क्लिप्स मुझे मिले, जितने फोटोग्राफ मुझे मिले, सब डाल दिए मैंने जितना हो सकता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अभी हम जाएंगे डायरेक्टली कारगिल सिटी में। इधर से कारगिल सिटी कुछ 20 या 25 किलोमीटर है। अभी हम द्रास में थे, द्रास में ये बना है। जो इंसिडेंट हुआ था द्रास में हुआ था, उस वजह से ये द्रास में बना है। इसका नाम मगर कारगिल वॉर मेमोरियल है। तो इसमें मत पड़िए कि ये कारगिल में होगा, कारगिल इधर से थोड़ा दूर है, जाना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी हम जाते हैं उधर पे और करते हैं रास्ते में बात अभी। तो ठीक है भाइयों, अभी आज के व्लॉग भी इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है हमें जाने में, और इतना व्लॉग स्ट्रेच करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये व्लॉग या फिर कुछ भी मेरे मतलब व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक करिए यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब करिए, सच में फ़र्क पड़ता है मुझे सब्सक्राइब करने से, और मुझे अच्छा लगेगा अगर सब्सक्राइब करते हैं तो। मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा आपके लिए, हर चीज़ में दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सकता है उतना। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो मुझे माफ़ करिए, और बने रहिए मेरे चैनल पे अगले ब्लॉग के लिए। आगे बहुत अच्छा है और बहुत थ्रिल किया हमने, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए, बने रहिए।